किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम बना रहे हैं सचिन भाई के पास मंडी डब वाली पे। 20,000 से रेट शुरू होगा और 1,00,000 तक रेट चला जाएगा। महंगी गायें भी आपको दिखाएंगे, जो टॉप की ब्रीड है वो भी आपको दिखाएंगे, जो क्रॉस है नॉर्मल रेट वाली है वो गायें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ तक 6-7 गायें इनकी है, 20,000 वाली और 1,00,000 वाली गायें में डिफरेंस देख लेना क्या डिफरेंस होगा। वो सब कुछ आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि 20,000 वाली की क्वालिटी कैसी होगी, 1,00,000 वाली की क्वालिटी कैसी होगी। और महाराष्ट्र से आज इनके पास कस्टमर आए हुए हैं, कस्टमर से भी बात करेंगे। सामने आप देख सकते हो भाई साहब महाराष्ट्र से हैं, इनसे स्पेशल बातचीत आपकी करवाई जाएगी। सबसे पहले सचिन भाई से बात करेंगे, फिर कस्टमर से बात करेंगे और उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको गायें चलाकर दिखाएंगे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी घंटी के बटन को दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग जो पशुओं की मंडी लगती है उनकी वीडियो शेयर करते रहते हैं। ये वहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी गायें हैं, सब गायें आपको चलाकर दिखाएंगे। पहले भाई साहब से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया सर। कितनी गायें मंडी पे लेकर आए थे? आज टोटल जी 8 गायें थी जी। और सेल महाराष्ट्र में कितनी करी है? 6 जी। उनका एवरेज रेट जी? उनका एवरेज रेट जी भी एवरेज 75-80 के समथिंग निकलेगा जी। जी कस्टमर पहली बार आपके पास? पहली बार आए जी। और जो कह रहे हो आपके एक हमारे पास 20,000 वाली भी गाय है, वो किस एरिया में सेल करी है? वो सर दिल्ली में जा रही है गाय। दिल्ली में? हाँ जी। तो थोड़ा सा हमें वीडियो में कंपैरिजन भी करके बता देना कि 20,000 वाली गाय कैसी होती है, 1,00,000 वाली कैसी जी होती वो है? आपको कंपैरिजन होगा, 20,000 वाली गाय भी खड़ी है और 1,00,000 गाय वाली भी गाय खड़ी है। 20,000 वाली कितना दूध देगी? 20,000 वाली सर ये देगी 10 लीटर दोनों टाइम होगा। और 1,00,000 वाली? 1,00,000 वाली 40 लीटर। 40 लीटर जी? 30 लीटर का फर्क है? 30 लीटर का फर्क। ठीक है जी, रेट का भी फर्क है जी 20 और 1,00,000 में जी। ये भी देखो। और काम कैसा चल रहा है आपका? काम बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसा कस्टमर आ रहा है जी? कस्टमर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी तो लगभग हर दिन आपके पास कस्टमर होता है जी? रेगुलर होता है जी, हर संडे। और फील्ड में भी, घर पे भी आते हैं सर, और फार्मों से गायें सेल करवाते हैं। एक हफ्ते में कितनी गायें सेल कर देते होंगे? एक हफ्ते में सर झूठ बोलने को बोल दे 50 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, लेकिन 20 तो निकल ही जाती है। 20 गायें निकल जाती है? 20 गायें निकल जाती है। और फार्म पे कितनी गायें खड़ी है अभी? अभी जी 6 गायें हैं जी घर पे सेल के लिए। वो सेल के लिए वो जी। उनका एवरेज रेट? और उनका एवरेज रेट जी 55 से लेके 60 तक है जी। और दूध भाई? 55 से लेके 65 तक है जी। दूध है सर जी 20 से लेके 30 लीटर तक। ठीक है। तो किसान भाइयों जो कस्टमर हैं जो महाराष्ट्र से मंडी डब वाली पे गायें खरीदने के लिए आए हैं, 5-6 गायें सचिन भाई से इन्होंने खरीदी है, तो इनका क्या रिव्यू रहा, कैसी गाय मिलगी, कैसा रेट लगा, कैसे दूध की मिलगी और मंडी कैसी लगी, उसके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। तो कस्टमर से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। सबसे पहले मालवा फार्म का शुक्रगुजार हूँ जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जी। धन्यवाद। आपके वजह से ही सचिन भाई से बात हुई। ठीक है, से ही कांटेक्ट हुआ। और आज ही मंडी पे आए थे? नहीं, 2 दिन हो गए आए हुआ, सचिन भाई के घर ही रुके थे। महाराष्ट्र से कहाँ से हुई आप? महाराष्ट्र पुणे। पुणे जी। तो कितनी गायें खरीद रहे हो? 5 गाय खरीदी है। 5? हाँ। कैसी मिल गई गायें? गाय टॉप की मिल गई है, 3 ब्रीड ली है, 4 ब्रीड ली है, 1 क्रॉस मिली है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाली कितनी है? 30 के आगे। 35 वाली? हाँ। तो आपको लग रहा है वो 35 निकालेगी? हाँ, 30+ तो चलेगी चलेगी। फार्मर ने वगैरह बोला कि 35 चलेगी, तो सचिन भाई ने 30 बोल के ही दिया है। अच्छा, 5 इन्होंने आगे से कम कर आगे से कम करके ही बोला है, लेकिन हमको गारंटी है 35 देगी पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। और अगर बात करें सचिन का डीलिंग करने का अंदाज कैसा लगा? अच्छा। अगर सचिन के बारे में बोले तो सचिन एक हमारा बड़ा भाई जैसा, जब से हम इधर से आए तब से हमने जिसने हमने जो इंतजाम किया, घर में रहने की जगह दी, बहुत फैसिलिटीज दी। अगर हम किधर से पुणे से आए किधर पंजाब, लेकिन इससे इसने जो हमको यकीन दिलाया, अपनापन दिया, इसके बदलत हम इधर आए, इसलिए मन में कोई शंका नहीं। आप किधर से बया कर सचिन से कांटेक्ट करके गाय लेके जा सकते हो। और दूसरी बात, जब आपने इनकी वीडियो देखी होगी चैनल पे यूट्यूब पे, मालवा फार्म पे देखी था किसी और चैनल? हम मालवा फार्म के ट्रैक पे से इधर आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वीडियो देखने के बाद सचिन को आपने फोन किया होगा? यस। जो बात फोन पे निकली वही यहाँ निकली? हाँ, 100% वही। ऐसा तो नहीं है कि फोन पे और थे यहाँ पे और? नहीं नहीं, ये की एक। तो फिर अभी कस्टमर महाराष्ट्र का चलना स्टार्ट हो गया, बारिश खत्म हो गया वहाँ पे और सीजन सेट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो महाराष्ट्र का कस्टमर ज्यादा आएगा मंडी डब वाली पे गायें खरीदने के लिए? जरूर आएगा। तो सचिन के पास आना चाहिए?
जरूर आना चाहिए, जरूर 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 आना चाहिए। पांच में से कितने स्टार देते हो? दो, चार, फाइव स्टार? फाइव फाइव स्टार देते हैं सचिन को। मिलने के बाद और एक स्टार बढ़ा देंगे गाय जनने के बाद। सचिन बड़ी तारीफ हो रही है भाई। सर आपके सामने मैंने तो कुछ इनको बोला नहीं है, मतलब कि सर पहले ये दो दिन हो गए इनको घर पे आए हुए। सबसे पहले इनको मैंने बोला, ये बोले भी हम फार्म में जाके घूम के गाय खरीदते हैं। इनको पहले दो दिन घर पे रखा सर, मैंने देखा, इन्होंने देखा भी मैं कैसे, दूसरे कस्टमर आए हुए थे सर जम्मू के, उनको देखा मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ सर, उसके बाद इन्होंने गाय खरीदी। सर सबसे बड़ी बात तो पहले हम तीन साल से मालवा फार्म के ऊपर में हमारी रेगुलर वीडियो आ रही है, ठीक है। अगर हम कोई धोखाधड़ी या मतलब कि चोरी ठगी वाला काम होता सर, मालवा फार्म एक ऐसा है कि जिसके ऊपर सर वही आदमियों की वीडियो आती है जो मतलब कि जेनुइन काम करते हैं, इसलिए अगर हम मतलब कि गलत काम करते होते तो हमारी वीडियो आनी बंद हो जाती सर, ठीक है। अभी तक मतलब कि हर एक वीडियो में सर हमारे पास कस्टमर होता है, महाराष्ट्र का होता है, गुजरात का होता है, ठीक है, मतलब कि हर एक स्टेट का, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमने माल नहीं भेजा, हर वीडियो में हमारे साथ कस्टमर होता है। अगर काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए सर कस्टमर आ के यहाँ पे हमारे साथ वीडियो में रुकते हैं, ऐसा नहीं भी किसी और की गाय के ऊपर वीडियो बनवा ली, कल किसी और की गाय के ऊपर वीडियो बनवा ली। अगर सेल के लिए गाय अवेलेबल है तो सर वो हमारे जो सेल हो जाती है वो तो ठीक है सर, और जो नहीं सेल होती सर ऐसा नहीं वो हमारे घर पर नहीं होगी। कल को अगर कोई खरीदना भी चाहता है तो हमारे घर पे आके सर गायें देख सकता है, वही गायें होगी जो वीडियो में होती है। तो सचिन भाई गाय का बैकग्राउंड बता दो, ये गायें कौन सी बैंड में? ये सर साइकिल लैक्टेशन में है। ज्ञापन है? ज्ञापन है जी, अभी 10 दिन पड़े हैं सर इसके। कितना दूध देगी? दूध सर मतलब कि 35 लीटर 40 लीटर मिल्किंग करेगी, 35 लीटर बोल के दिए। 35 की गारंटी 101% सर। और अभी कस्टमर को ऐसी बात बोली है जी, जब गाय जनगी दो दिन के बाद यहाँ से खरीद के ले सकता है और मतलब कि ले जा सकता है, दो दिन कस्टमर को इतनी बात बोली है जी, ठीक है, जब गाय जनगी उसके बाद यहाँ से ले जा सकता है। अच्छा, दो टाइम मिल्किंग करके भी ले जा सकता है जी, ठीक है। ये देखो गाय, आप मैं नहीं बोलूंगा सर, गाय की अदर क्वालिटी बोलेगी। रेट क्या बोलेगा? रेट जी 85 85 जी, चलाओ। तो किसान भाई ये दूसरे भी अंत की गाय है, 85 रेट है गाय की, क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। 40 लीटर दूध देगी अब की बार, लेकिन 35 लीटर दूध की गारंटी ले रहे हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी आपके सामने है। महाराष्ट्र पुणे के एरिया में ये गायें जा रही है। वीडियो देखकर मालवा फार्म पे कस्टमर इनके पास आए थे और ये गायें इन्होंने यहाँ से सेल करी है। सभी की सभी गायें आपको चलाकर दिखाएंगे। ये सबसे महंगे वाली गायें हम आपको चलाकर दिखा रहे हैं, जो ज़्यादा दूध वाली है। जो सस्ते रेट वाली है वो भी आपको चलाकर दिखाएंगे, उसका क्या दाम रहेगा, कितना दूध रहेगा वो भी आपको बताएंगे। बात वही आ जाती है, जैसा रेट रहेगा वैसी क्वालिटी रहेगी। गायें 15-20 हज़ार में मिल जाएगी, गायें 40 हज़ार में मिल जाएगी, 50 हज़ार में मिल जाएगी, गायें 1 लाख, यहाँ तक कि 1.5 लाख में भी आपको गायें मिल जाएगी। जैसा रेट वैसी क्वालिटी। ये गायें कौन से ब्यांत में? ये सर साइकिल लैक्टेशन में जी। ज्ञापन है? ज्ञापन है जी। अभी कितने दिन ले जाएगी? अभी सर 25 दिन पड़े हैं इसके जी। और दूध कितना देगी? दूध सर 30+ करेगी आराम से। और रेट भाई? रेट जी इसका 75। चलाओ जी। तो किसान भाई 75,000 रेट है और दूध आपको बता दिया, 75,000 में ये गायें यहाँ से सेल हुई है। अभी ज्ञापन है, क्वालिटी आप देख सकते हो, गायें की आपके बिल्कुल सामने है। महाराष्ट्र पुणे के एरिया में ये गायें जा रही है। हर तरह का रेट और हर तरह का दूध आपको मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, कितने रेट वाली गायें खरीद रहे हो, कितना दूध चाहिए, उसके अकॉर्डिंग गायें के पैसे लगते हैं। और ये चलती चलती वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर तरह की पशु मंडी, हर तरह का डीलर है जो, उनकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये गायें कौन सी में जी? ये सर साइकिल इलेक्ट्रिशियन मेरी भी। और कितने दूध की रहेगी अभी? ये सर ये बोलने को कुछ भी बोल दे लेकिन 25 लीटर मिल्किंग करेगी। 25 लीटर 25 लीटर। और रेट जी? रेट जी इसका 60 60,000। ये गाय की क्वालिटी देखो सर आपकी, ये क्रॉस है जी। तो किसान भाइयों 60,000 गाय का रेट है, क्रॉस की गाय है, 25 लीटर दूध करेगी। क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। महंगे रेट वाली भी गायें हमने आपको दिखा दी, सस्ते रेट वाली भी गायें दिखा दी। ये 60,000 वाली गायें है, 25 लीटर दूध करेगी। अभी ज्ञापन है, सभी जो गायें हम आपको दिखा रहे हैं वो ज्ञापन गायें हैं, क्योंकि सफ़र ज़्यादा हो जाता है महाराष्ट्र का, इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पे ज्ञापन गायें शूट करती है। गायें की क्वालिटी देख सकते हो, और ऐसी ही क्वालिटी की महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती गायें अगर आप इस फार्म से ख़रीदना चाहते हो तो कभी भी टेंशन फ्री होकर कॉल कर सकते हो, नंबर हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हो। जे गाय कौन सी ब्यांत में जी? ये सर सेकंड इलेक्ट्रिशियन। और कितने दूध की रहेगी? दूध सर 10 लीटर दोनों टाइम का? दोनों टाइम। और रेट भाई? रेट इसका 20,000 20,000 जी। चलाओ। तो किसान भाई जे है 20,000 वाली गायें, 10 लीटर दूध एक दिन का देगी, रेट 20,000 है।
क्वालिटी आप देख सकते हो। अभी डिफरेंस देखो, एक ही वीडियो में आपको 40 लीटर वाली भी गायें दिखा दी, एक ही वीडियो में हमने आपको 10 लीटर वाली भी गायें दिखा दी। तो खुद आप कंपैरिजन कर सकते हो गाय की क्वालिटी का, गाय की ब्रीड का और गाय का दूध का भी फ़र्क है। जहाँ पे दूध का फ़र्क है वहाँ पे रेट का भी फ़र्क है। हम ये नहीं कहेंगे कि दूध का ही फ़र्क है, 30 लीटर दूध ज़्यादा रहेगा उस गाय का, लेकिन वैसे उसका रेट भी ज़्यादा है। इसका रेट कम है तो दूध भी कम है। जी जशन डेयरी फार्म की गाय सर आपने देख लिया किसान भाइयों, ठीक है, और गाय भी आपने देख लिया, कुछ गाय क्रॉस में थी, कुछ गाय ब्रीड में थी। 20,000 से लेके 1,00,000 रेट तक की गाय थी सर आज, ठीक है। कोई भी कस्टमर ऑनलाइन ऑफलाइन गाय खरीदना चाहता है तो जशन डेयरी फार्म में गाय खरीद सकता है। सभी किसान भाइयों का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।